अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रामीन मुजीब। आज मैं आपके लिए स्ट्रॉबेरी स्मूथी की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, उससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिलेगी। सबसे पहले एक ब्लेंडिंग जग में हम स्ट्रॉबेरी लेंगे, तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी मैं 5 से 6 ले रही हूँ। आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर एक जग बनाऊँगी तो इसलिए मैं 5 से 6 स्ट्रॉबेरी को दरमियान से काट लिया है और अब मैं वो जग में डाल रही हूँ। जग में डालने के बाद यहाँ पर मैंने दूध लिया है 1 जग। इसी जग में मैं शेक बनाऊँगी और इसी जग के हिसाब से मैंने जो है दूध ले लिया है। तो यहाँ पर हम ब्लेंडिंग जग में दूध डाल देंगे। अब मैंने 2 चम्मच भर के दही ले ली है जो कि मैं इस ब्लेंडिंग जग में डाल दूँगी। अब हम इसमें शहद डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के शहद का ले लिया है। यहाँ पर हम लोग चीनी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो शहद मैंने ब्लेंडिंग जग में डाल दिया है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब हम सबसे पहले अपने जग को डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर आप रोज़ सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर जामे शीरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साइडों पर लगा देंगे और ताकि इसकी जो शेप है, कलर है, वो बहुत खूबसूरत सा आ जाए। तो यहाँ पर मैंने इसकी डेकोरेशन कर दी है। मिल्क शेक ब्लेंड हो चुका है, अब हम इसमें मिल्क शेक डालेंगे। सारा मिल्क शेक हमने जग में डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी और डेकोरेशन करेंगे, तो यहाँ पर मैं दोबारा इसके ऊपर जामे शीरी डालूँगी थोड़ा सा, जो कलर इसका बहुत प्यारा लगेगा। मेरी आज की रेसिपी यहाँ पर होती है ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो यहाँ पर मेरी रेसिपी ख़त्म होती है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।